नमस्कार किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सस्ते और अच्छे फंगी साइट के बारे में वर्तमान में अगर बात की जाए तो यह फंगी साइड लगभग में सभी तरह के फसलों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है जानेंगे यह कौन सा फंगी साइड है इसमें टेक्निकल कंपोजिशन क्या पाया जाता है और इसका फसलों में काम करने का तरीका क्या होता है इसको कौन कौन सी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है और यह किन किन बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है और जानेंगे इसकी डोज और मार्केट प्राइस के बारे में पहले यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहे जिस फंगीसाइड की बात करने वाले हैं या सजेंटा कंपनी का रिडोमिल गोल्ड फंगीसाइड इसके अगर हम टेक्निकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेटालाइक्सिल चार परसेंट मैं चौसठ परसेंट डब्ल्यू पी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है रिडोमिल गोल्ड हाइपरसटेमिक अपटेक और ट्रांसलोकेशन गुड़ पाया जाता है यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टेक्ट एंड सस्टेमिक फंगिसाइड होता है यह पौधों में दोनों तरह से काम करता है इसमें मेटालाइक्सिल सेटेमिक फंगीसाइड के रूप में काम करता है इसको पौधों में स्प्रे करने से या पौधे के पूरे सिस्टम में फैल जाता है और बीमारियों को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और इसका पौधों में 10 से 15 दिनों तक की प्रभाव रहता है 10 से 15 दिनों तक की ये पौधे को बीमारियों से सुरक्षित रख सकता है मैंकोजेब एक तरह का कॉन्टेक्ट फंगीसाइड होता है जिसका इसमें मिक्सचर किया गया है इसको जैसे ही स्प्रे करते हैं यह तुरंत रूप से प्रभावी हो जाता है और जहां पे फंगस के कांटेक्ट में आता है उनको या वहीं पे मार देता है और इसके अलावा में जिंक और मैग्नीज की भी मात्रा होने के कारण या पौधे में हरापन भी लाता है रिडोमिल गोल्ड फसलों में मिट्टी में लगने वाली बीमारियां तथा पत्तियों में लगने वाली बीमारियां दोनों तरह की बीमारियों के यह बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता अब बात करते हैं रिडोमिल गोल्ड को कौन कौन सी फसलों में प्रयोग करना चाहिए और किन किन बीमारियों को यह कंट्रोल कर सकते रिडोमिल गोल्ड को सभी तरह की फसलों जिससे आलू मटर टमाटर गोभी मिर्च बैंगन कद्दू खीरा ककड़ी अनार अंगूर आदि सभी तरह की फसलों में प्रयोग किया जा सकता है रिडोमिल गोल्ड अगेती झुलसा पछेती झुलसा पौधों में जड़ का सड़न रोग डाउनी मिल्डू पत्ती का धब्बा रोग काला सड़न जैसी समस्याओं को यह कंट्रोल करता है इसकी डोज की अगर हम बात करें तो दो से तीन ग्राम प्रति लीटर पानी के आधार पर घोल तैयार करके इसको फसलों के ऊपर प्रयोग किया जा सकता इसको फसलों में स्प्रे व ड्रिप के द्वारा प्रयोग किया जा सकता रिडोमिल गोल्ड के मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो इसके पाँच ग्राम का पैक साढ़े सात सौ रूपए ऐसी लेके आठ सौ रूपये में मार्केट में उपलब्ध हो जाता है मेटाला और मैंगो का यह कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है इसके अलावा अन्य कंपनियों के भी मार्केट में इस कॉम्बिनेशन में उपलब्ध हो जाते हैं जैसे टाटा का टाटा मास्टर नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद